भैया लोग बहुत कुछ कहते हैं, जब अंग्रेज़ भी यहाँ 200 साल थे वो भी ये कहते थे हमने ये रहना है, है? उस वक्त कौन जमात थी जिनने उसमें हिस्सा नहीं लिया इनको निकालने का? वो इन्हीं की तंजीमें थीं जिन्होंने अंग्रेज़ों से कहा हम आपके ग़ुलाम हैं, हम आपके साथी हैं। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे जो खड़े हो गए, भगत सिंह था, वो तीन उठे और भारत को आज़ाद करने के लिए अपनी जान दी, फांसी पर चढ़ गए। सर तो क्या आप समझते हैं कि हर एक चीज़ परमानेंट है? अरे हम परमानेंट नहीं इस दुनिया में, कौन ये कहते हैं परमानेंट है? 2047 खुशी है कि कोई ना कोई तो पैदल चल रहा है, यात्रा कर रहा है। मुझे इसकी भी खुशी है कि राम मंदिर खुलने वाला है 22 को, अफसोस है मुझे कार्ड नहीं आया मगर खुल रहा है। सर वो कहते वो भी एक चक्कर है, निमंत्रण आएगा तो आप राम सिंह हमारा आया, निमंत्रण आएगा तो आप सिर सर बाप वाले कहते हैं राम सिंह हमारा है। राम सबका है, राम विश्व का राम है, वो हिंदुओं का राम नहीं है सिर्फ, ये बात याद रखना। जो विश्व का राम है वो सिखों का भी राम है, मुसलमानों का भी, ईसाइयों का भी, अंग्रेजों का भी, रूसियों का भी, हर एक विश्व किसे कहते हैं? दुनिया। चुनावों के आदेश भी दिए, दुनिया के हर एक आदमी का राम है। चुनावों के आदेश भी दिए गए हैं। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत उम्मीदें थी इनसे, उच्च न्यायालय से, कि इंसाफ करेंगे। अगर ये 300 तो ठीक है, उस पर ये सोच रहे थे, मगर स्टेटहुड तो बहाल कर सकते थे, क्यों रुक गए? फिर ये क्यों रुक गए कि इलेक्शन करें, फॉरन करें, क्यों रुक गए? सितंबर तक वो टाइम क्यों दिया? क्या इनका जो उच्च न्यायालय का फैसला है उसका मतलब ये है कि कल बंगाल, तमिलनाडु, कोई भी रियासत हिंदुस्तान की, उसे स्टेट को डिसमिस करो, गवर्नर के हवाले करो, फिर प्रेसिडेंट के पास जाओ और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाओ?